और पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न मिला है। और इस पूरे मुद्दे पर पीवी नरसिंह राव के पोते से न्यूज 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मास्टर ऑफ सर्वाइवल यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनकी पार्टी कांग्रेस आज अपने सर्वाइवल के लिए तरस रही है, आज अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है, उन पीवी नरसिम्हा राव को आज मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। और हमारे साथ इस खुशी के पल पर बात करने के लिए उनके लीगल ग्रैंडसन भागीनंदा शांडिल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपका चैनल को ये मौका देने के लिए। जी भागीनंदा जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा सम्मान है एक तरीके से, और जिसकी अपेक्षा आप लोग को जरूर रही होगी। कितना बड़ा सम्मान आप इसे मान रहे हैं, कितना खुश हैं परिवार के लोग? परिवार के लोग, उनके बेटे बेटी, तीन बेटियां, सब लोग इतना खुश है कि हम ये हमारे पूरे जन्म का ये दूसरा या तीसरा खुशी होगा। पहला खुशी था हमारा जो राम मंदिर हमारे जन्म के सेम टाइम में हुआ था, राम जन्मभूमि का और राम मंदिर का उद्घाटन। और ये दूसरा लगाऊंगा मैं, हमारा फैमिली जो है और उनके बेटे लोग इतना खुश है कि ये लोग तो 15 साल से वेट कर रहे हैं। आपको तो मालूम है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन ग्लोबल FDI, यू नो, फेडरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिए, और इवन न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में, और यूएन में जब अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया, तो अभी अपोजिशन लीडर को भिजाए तो जस्ट टू रीइंस्टॉल द वैल्यूज ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी। तो इतना बड़ा काम कर दिए वो 10 साल में 5 साल में, बट उनको ये रिकग्निशन के लिए हम थरस रहे थे 1 साल नहीं 15 साल से। तो अभी हम तो बहुत बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं आगे, क्योंकि उनके बैकग्राउंड पर आज बात करना जरूरी हो जाता है, वो भी क्योंकि उनकी पार्टी, मैंने जैसा अभी अभी शुरुआत में भी कहा, मास्टर ऑफ सर्वाइवल के तौर पर उनको जाना जाता था, लेकिन उनकी पार्टी का जो अभी हश्र है उससे रिलेटेड मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले एक जो इस पर अभी एक सवाल उठाए गए हैं, कुछ हालांकि पूरी तरीके से नहीं, कुछ कोनों से, वो सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि चुनाव है, साउथ को साधना है और आंध्र से आते हैं, और इसलिए भी उनके नाम का चुनाव किया गया, ये चुनाव को देखते हुए चुनावी फैसला इसे कहा जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कारण तो कुछ भी काम अच्छा हो बुरा हो, एक कारण से कुछ नहीं होता है, उसमें हजार नए, लाख नए, 10 लाख के ऊपर रीजन होते हैं। वो 10 लाख रीजन में एक हो सकता है, बट वो एक ही रीजन नहीं हो सकता है। बिकॉज तो, और मोदी जी के लिए ये पहली, अगर मोदी जी पहली बार करे तो 2014 में, जब मैं इसको more than 50% क्रेडिट दूंगा कि चुनाव लड़ रहे मोदी जी पहली बार, तो उनको साउथ से जोड़ना है, नहीं तो साउथ से ये चाहिए वो चाहिए, बट ये तो तीसरी बार है उनका। 10 साल में 1,000 नए 10,000 नए, 1 मिलियन बोले तो 1 बिलियन काम कर चुके हैं वो। काम करने के बाद ही इज अ प्रूवन लीडर, और उनको ये करे तो देयर इज अ 1% डिफरेंट मालूम होता है। ऐसा नहीं कि वो 99% से, एक परसेंट का फर्क पड़ेगा उनको, और उन ऑलरेडी प्रूव करे वो क्या कर सकते हैं। ये करने के रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आप हिस्ट्री देखिए, 10 साल में जो काम किए है, जो 70 साल में काम ही नहीं हुआ, और ये 15 साल नहीं 60, अभी नरसिम्हा राव जी तो 96 से लेके आज तक ये 20 साल में वो करने वाला कर ही नहीं सका। लेकिन उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म को नहीं भूला जा सकता, वो क्रेडिट तो उनको जाता है। अगर आज हम कहते हैं कि भारत देश की, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म, उदारीकरण का दौर जो उनके जरिए आया, मनमोहन सिंह को लाने वाले, वो फोन करके उन्होंने बुलाया, वित्त मंत्रालय में शामिल कराया, लेकिन मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का गुणगान कांग्रेस करती है, नरसिम्हा राव से अलग रहती है। या वो उनका तो गुरु मानते हैं आज भी, जब लास्ट ईयर ऑफ मनमोहन सिंह का टर्म में वो भी ऑलरेडी वो फाइल बन चुका था भारत रत्न देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, बट वो फाइल क्या है, वो सिग्नेचर नहीं हुआ, नहीं तो दबा दिए बस।
बट मनमोहन सिंह जी जो आज भी अगर उनके दिल पे हाथ लगा के कोई पूछे तो आपका ख्याल क्या है, वो ये इतना ही बोलेगा, वो तो मेरा गुरु है बोल के जा एक चीज सकते आपसे ना। जानना तो चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पर, वो ये कि क्या बाबरी मस्जिद ढहाने में जो उनकी चुप्पी थी, क्योंकि वो एक बड़ा सवाल बनी। हालांकि बाद में ये भी कहा गया कि जब कैबिनेट की बैठक हुई वो स्तब्ध थे, उनके पास शब्द नहीं थे, वो इससे इतने ज्यादा आहत थे। सच्चाई क्या थी? कभी परिवार के लोगों से उन्होंने कभी डिस्कस किया इस बारे में, कुछ भी कहा? कुछ कहने का एक नहीं मैडम, 1000 चीज कह चुके हैं और इसके ऊपर एक बुक भी लिखे है वो। बट इतना ही रिक्वेस्ट करे फैमिली को और सबको, ये बुक जो मैं लिखा इसको पब्लिश करो जब मैं मरने के बाद, उसमें राम जन्मभूमि का सच्चाई और राम जन्मभूमि बनाने के लिए पूरा जो प्लान था वो बुक में पूरा है। वो बुक का कॉपी भी है हमारे कने, 2 कॉपी। बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट उसको दबाया गया है, वो पब्लिशर को बैन कर दिए और इलीगल कर दिए। बट वो बुक मैं एक कॉपी नहीं, अभी तो 10 लाख कॉपी बनाऊंगा वो बुक का। अभी वो कोई भी वो बुक पढ़ेगा वो समझेगा क्यों जितना बड़ा प्रॉब्लम, जो 500 साल पुराना प्रॉब्लम है राम जन्मभूमि इश्यू, वो नरसिम्हा राव जी ऑलरेडी सोल्यूशन करके पूरा लीगल लीगल तरीके से वो लैंड एक एक जगह एक कम्युनिटी को दूसरे जगह देके और ट्रस्ट बना के सब कुछ प्लान फ्रेमवर्क सब कुछ करके, वो बुक में सब कुछ डिटेल है कि एक क्या आखिरी है कि सवाल और राम मंदिर संक्षेप में। में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है इस ऐलान से, ये जो भारत रत्न से नवाजा गया है, इससे बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए कोई भी इलेक्शन में क्या है, 33% हार्डकोर सपोर्टर होंगे पार्टी 1 का और 33% सपोर्टर होंगे पार्टी 2 का। वो 33% के लिए ये चीज कुछ नहीं है, जो बीच वाले रहते 34%, वो बीच वाले क्या है, अनडिसाइडेड वोटर्स बोलते हैं, अमेरिका में हो इंडिया में हो, वो अनडिसाइडेड वोटर्स क्या है, वो लोगों को पार्टी एफिलिएशंस नहीं है। जो अच्छा काम करेगा कांग्रेस, अच्छा काम करे तो कांग्रेस के तरफ जाएंगे, बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी तरफ आएंगे। तो वो बीच वाले जो 34% है वो लोग डिसाइड करेंगे इलेक्शन रिजल्ट, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, तो बीजेपी की तो एडवांटेज होना चाहिए। बिकॉज ये तो ये 1 लाख चीज नहीं तो 10 लाख चीज में एक है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि ये छोटा चीज है। बहरहाल ये ऐसे व्यक्ति तो जरूर थे, ऐसी शख्सियत जरूर थे जो रत्न भारत के लिए बिल्कुल है, इसमें कोई शक व शुबा, कोई गुंजाइश नहीं। और आप लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर मुबारक, News24 की तरफ से भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू मैडम। चुनाव मतलब News24।